जय हिंद स्टूडेंट ऑफ क्लास फोर, दिस इज योर कंप्यूटर पीरियड स्टूडेंट। दिस इज सेकेंड वीडियो। इन दिस वीडियो वी नो सोल्यूशन। फर्स्ट स्टेप इज टाइप माई पब्लिक स्कूल, सेलेक्ट द टेक्स्ट। सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप ऑन द होम टैब फ्रॉम द फ्रंट ग्रुप, सेलेक्ट द फ्रंट, फ्रंट साइज एंड फ्रंट कलर स्टूडेंट, ओके। एंड फोर्थ स्टेप, सेट द फॉन्ट एज एरियल, साइज एज 18 एंड कलर एज ग्रीन। नाउ क्लिक ऑन द टेक्स्ट इफेक्ट ड्रॉप डाउन एरो। एंड लास्ट स्टेप इज सेलेक्ट द शैडो इफेक्ट फ्रॉम द लिस्ट, योर न्यू फॉर्मेट इज डन स्टूडेंट। लाइक दिस टाइप वी राइट आवर स्कूल नेम ऑन द स्क्रीन। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट Aligning the text. In aligning the text student, we have four step. चार step होते हैं, left align, center align, right align and justify. Align को change कैसे करेंगे student? First step, select the text you want to align. And second, click on one of the alignment option on the paragraph group of the home tab student. Now, if we click on the align left student, so line is proper margin on left side and right side have margin. If we centered button, the text is concerned in between the margin in each line. We can see figure 8.5 and 8.6. लेफ्ट अलाइनमेंट में लेफ्ट साइज में प्रॉपर डिस्टेंस से बराबर दूरी से स्टूडेंट लाइन स्टार्ट होगी, और राइट हैंड साइड में वो कम और ज्यादा डिस्टेंस पे लाइन खत्म होगी 8.5 फिगर में। और 8.6 फिगर में स्टूडेंट जो लाइन है कोई बड़ी होगी कोई छोटी होगी, इस तरीके की होगी स्टूडेंट सेंटर्ड अलाइनमेंट में। Now student, in next page number 70, if we click on align right student, so जो लाइन होंगी और राइट साइड में प्रॉपर और ठीक ठीक जगह डिस्टेंस में खत्म होंगी, पर जहां से स्टार्ट होती है लेफ्ट साइड में वहां पहले या कुछ बाद से एक दूसरे से दूसरी लाइन स्टार्ट होंगी स्टूडेंट। बट इफ वी क्लिक ऑन राइट मार्जिन स्टूडेंट जस्टिफाई बटन, देन द टेक्स्ट इज राइट एंड वी लुक ऑन द फिगर नंबर, वी कैन लुक ऑन द फिगर नंबर 8.8, द मार्जिन बिटवीन लाइन्स इज प्रॉपर एंड गुड, एंड राइट एंड लेफ्ट साइड द डिस्टेंस इज इक्वल स्टूडेंट। लाइक दिस वी यूज अलाइन फॉर डू टेक्स्ट बेटर। नाउ स्टूडेंट क्लिक टाइम, इन दिस टास्क दियाज टीचर आस्क्ड टू टाइप द पोयम, सी हैज टू सेंटर द टाइटल। दिया के टीचर ने कहा कि तुम्हें एक पोयम राइट करना है, टाइटल सेंटर में होना चाहिए, और फर्स्ट जो स्टेंजा है वो लेफ्ट लाइन होना चाहिए, एंड सेकेंड स्टेंजा जस्टिफाई होना चाहिए, और राइट एंड हाई साइड में पोएट का नाम होना चाहिए। तो स्टूडेंट इसके लिए जब उसने फर्स्ट स्टेंजा राइट करना स्टार्ट किया तो लेफ्ट लाइन में क्लिक करेगी बटन को, सेकेंड स्टेंजा में वो क्या करेगी जस्टिफाई बटन पे क्लिक करेगी, एंड उसके बाद नेम राइट करने के लिए पोएट का राइट अलाइनमेंट बटन पे क्लिक करेगी स्टूडेंट। इस तरीके से वह अपना टास्क कंप्लीट करेगी। नाउ स्टूडेंट सोल्यूशन, इन सोल्यूशन सेलेक्ट द टाइटल, क्लिक ऑन द सेंटर बटन ऑन द पैराग्राफ ग्रुप ऑफ द होम टैब। सेकेंड सेलेक्ट द फर्स्ट स्टेंजा एंड क्लिक ऑन द अलाइन लेफ्ट,
पहले इंस्टेंजा में हम क्लिक करेंगे अलाइन लेफ्ट पे जो बटन है और पैराग्राफ ग्रुप ऑफ द होम टैब पे। थर्ड स्टेंजा में हम सेलेक्ट करेंगे क्लिक ऑन द जस्टिफाई बटन, उसके बाद पैराग्राफ ग्रुप के होम टैब पे, ठीक है स्टूडेंट। एंड लास्ट स्टेप वी सेलेक्ट द पोएट नेम एंड क्लिक ऑन द अलाइन राइट बटन पैराग्राफ ग्रुप ऑफ द होम टैब। लाइक दिस स्टूडेंट दैट स्टेंजा इज क्लियर कैन रिटेन बाय द दिया। ओके स्टूडेंट, नाउ योर दिस वीडियो इज एंड। थैंक यू, गुड डे।